दोस्तों, रैबिट प्लांटर कई साइट्स पे मेड इन चाइना अवेलेबल है, पर इसे हम वॉल पुट्टी से कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। घर में पड़ा कोई भी प्लास्टिक की बोतल, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की हो या ऑयल की, आप ले आए, उसे साफ कर ले और इस तरीके से कट कर ले। आधा लीटर या एक लीटर बोतल की साइज ले। दोस्तों, वॉल पुट्टी ले ले, ये ब्रांड आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। कई लोगों ने पूछा कि वॉल पुट्टी ही क्यों, इसका जवाब है ये बहुत ही सस्ता है, हर जगह किसी भी हार्डवेयर स्टोर में 30 से 40 रुपए किलो मिल जाता है। ये रेडी टू यूज़ है, सबसे बड़ी बात इसे खरीद कर लाए और तुरंत डो बनाकर काम कर ले। केवल पानी मिलाकर आप डो बना सकते हैं। इस पे रंग बहुत ही अच्छा खिलता है। बन जाने के बाद इसे हम गीले कपड़े से ढक कर रखते हैं। डो बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ अच्छी तरह देखकर सीख सकते हैं। दोस्तों, इसी से हम एक शीट बनाएंगे और शीट के जो फालतू हिस्से हैं उसे हम इस तरह काट लेंगे और जो आपने कट किया है बोतल उसके ऊपर सीधे रख देंगे। केवल साइड वाले हिस्से को पानी के सहारे उंगलियों से चिपकाएं, बीच में बिल्कुल टच ना करें। इसी तरह दूसरा शीट बनाकर पूरी बोतल को कवर करें। इसे थोड़ा सूखने दें, फिर जो बीच वाले हिस्से हैं गड्ढे वाले उसे हम वॉल पुट्टी के डो से भर देंगे और इसे हम प्लेन कर देंगे पानी के सहारे। अगर आपके पास प्लेन बोतल है तो इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। रैबिट की बॉडी बनाने के लिए बोतल के साइज़ के हिसाब से एक अंडाकार आकृति बना लें और इसे हम सूखने के लिए एक तरफ रख देंगे। ठीक इसी तरह छोटा सा एक हेड भी बनाकर रख देंगे सूखने के लिए। ये कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये किसी भी स्टेशनरी दुकान पर आपको मिल जाएंगे। इसे बोतल के ऊपर रखकर नाप लें और नीचे का हिस्सा काट लें। सभी स्टिक्स को इसी तरह काट लें। एक वॉल पुट्टी का गाढ़ा घोल बनाएं और बोतल पे समान डिस्टेंस पर इसे चिपकाते हुए चले जाएं। सूखने के बाद इस पे वॉल पुट्टी के गाढ़े घोल से कोट करें। एक कोट सूख जाए तो फिर दूसरा कोट करें। इसे सूखने दें। हमारा हेड सूख गया था तो इसकी डिटेलिंग, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक पार्ट सूख जाए तभी आप उस पे दूसरा लेयर कर सकते हैं, गीले पे नहीं करना है। और जितने भी पार्ट्स आप चिपकाएंगे इस पे सभी को केवल पानी से चिपकाना है। दोस्तों, अगर आपने पहले वॉल पुट्टी से काम नहीं किया है तो थोड़ा सा एक दो चम्मच पाउडर से डो बनाने का अभ्यास करें, कोशिश करें खुद बनाएं। आपके हाथों से खींची हुई एक लाइन जो चाहे टेढ़ी भी हो अनमोल होगी, आप गर्व से किसी को भी बोल सकते हैं कि ये आपने बनाया है। इस स्ट्रिप को स्केल के सहारे सीधा करें और केवल पानी के सहारे जो ड्रम आपने बनाया है इस पे चिपका लें। दोस्तों, बाकी के क्ले जैसे मार्बल पाउडर, पेपर मैशी या फिर एयर ड्राई क्ले, ये थोड़े महंगे हैं और बनाने में टाइम भी लगता है। अगर आपका क्ले या क्राफ्ट नहीं बना तो मटेरियल भी ख़राब होगा, साथ में मेहनत भी बेकार चली जाएगी। तो ये सूख गया है, इस पे हम बाकी की डिटेलिंग करते हैं। जो नट बोल्ट्स के थोड़े इफ़ेक्ट होते हैं वैसा ही बना लेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आप एक अच्छा क्राफ्ट बना सकते हैं। इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, अब हम हेड की डिटेलिंग करेंगे। हमारा ये हेड सूख गया था तो ये तीसरा लेयर है। दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो करें ताकि हर कोई इस क्राफ्ट को बना सके। इसे आप धूप में भी सुखा सकते हैं और पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। ये आपके स्थान पे निर्भर करता है कि आप कौन से प्रदेश में रहते हैं। अगर आप विंटर वाले जगह पे रहते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा सूखने में, और अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो जल्दी सूख जाएगा। दोस्तों, इसके थिकनेस के ऊपर भी निर्भर करता है। लेयर अगर थिक है तो सूखने में टाइम लगेगा और लेयर अगर पतला है तो जल्दी सूखेगा। दोस्तों,
इस तरह आपको डिटेलिंग करनी है और लेयर वाइज काम करना है। कपड़े का फोल्ड बनाने के लिए गीले डो के ऊपर रुमाल रखें और किसी नाइफ से या नेल कटर से इस तरीके से फोल्ड बनाएं, तो बिल्कुल नेचुरल फोल्ड आपको मिल जाएगा। क्लासेस के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। क्लासेस द्वारका सेक्टर 7 नई दिल्ली के पास अवेलेबल है, आपका वेलकम है। आप आएं, यहाँ बैठकर आराम से सीखें। वॉल पुट्टी के बिल्कुल थिक पेस्ट से हमें रैबिट के हेड को चिपकाना है और इसे बिना छुए बिना हिलाए डुलाए इसे बिल्कुल 4 घंटे के लिए छोड़ दें। हमारा क्राफ्ट सूख गया है तो अब हम वॉल पुट्टी के थिक पेस्ट से दोनों कान को ईयर को चिपका लेंगे, इसे भी सूखने के लिए छोड़ देंगे। 2-3 घंटे हो गए हैं दोस्तों, अब वॉल पुट्टी का बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट ड्रम पर लगाएं और जो हमारा क्राफ्ट सूख गया है रैबिट का, तो इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पेस्ट करेंगे और बिना हिलाए डुलाए इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये सूख गया है, तो बाकी की जो डिटेलिंग है जैसे हाथ वगैरह वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। इसे भी हम थोड़ा सा सूखने देंगे, फिर जो दूसरी डिटेलिंग है वो भी कर लेंगे, जैसे बेल्ट हुआ और ड्रेस की सारी डिटेलिंग वगैरह। तो इसे केवल पानी के सहारे ही चिपकाना है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट बन चुका है तो कलर करने की तैयारी करते हैं दोस्तों। मनपसंद एक्रेलिक कलर से कलर करें, अभी का वक्त ऐसा चल रहा है दोस्तों, पता नहीं कब क्या सुनने को मिल जाए। रोजगार और नौकरी में भी परेशानी चल रही है, ऊपर से क्राफ्ट बनाने के लिए ग्लूगन और तमाम तरह के तामझाम। यही सोचकर मैंने हमेशा आप लोगों को बजट क्राफ्ट देने की कोशिश की है। मेरी कोशिश अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, आपका 1 सब्सक्राइब मेरे लिए अनमोल सपोर्ट होगा। साथ में लोगों को भी शेयर करें, बताएं। ड्रम के बेल्ट को सिल्वर कलर से निकालें, चाहे तो कोई लाइट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये है 3D आउटलाइनर, ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे 25 से 30 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी से हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग करेंगे। इसे अच्छे तरीके से सूखने दें। तो दोस्तों, प्लास्टिक की बोतल से बना ये रैबिट प्लांटर तैयार है, इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाएं और इंडोर इस्तेमाल करें। अगर पानी गिर जाए तो कपड़े से पोंछ लें, पुराना हो जाए तो फिर से कलर करें। अब कोई भी साइट या चाइना मार्केट से प्लांटर क्यों खरीदें, जब आप घर में ही इतना सुंदर और सस्ता क्राफ्ट बना सकते हैं। अपनी कल्पना शक्ति को पहचानें, कुछ पल चुराकर उड़ान भरें, इस उड़ान से अपनी पहचान बनाएं। लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि आपको पता है आप में कुछ अलग है, इस अलग में ही आपका सुकून छुपा है। इसका आनंद लें दूसरों की परवाह किए बिना और दिखा दें कि आपके हाथों में जादू है। इस जादू को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि नया और बिल्कुल बजट क्राफ्ट आप देख सकें। मेरे क्राफ्ट वीडियो देखने के लिए YouTube पे टाइप करें क्राफ्ट पॉकेट, लोगों के आइकन को दबाएं और वीडियो सेक्शन में जाएं, मेरे सारे बजट वीडियो आपको दिख जाएंगे। मिलते हैं फिर से एक नए क्राफ्ट के साथ, तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।